Good morning, students. So as you have discussed about the different type of graphs, that is bar graph, double bar graph. So let us study a few things about your data handling, that is representative values, right now. So let's start. So students, representative value are also known as a central tendency, and the central tendency are mean, median and mode right now. So first of all, we'll discuss about mean. Mean, that is arithmetic mean, right now. So you know, mean is known as average or percentage also. If someone asks you, let us discuss. If someone asks you, then what is your percentage of mark in your last examination? Then what will you do? You just add your marks of all subject, then divide by the number of subjects so that you got your percentage, right now. सो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज अगर निकालना है तो सारे सब्जेक्ट का मार्क को ऐड कर देते हैं एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट कर देते हैं, वी विल गेट आवर परसेंटेज राइट नाउ. सो एवरेज और परसेंटेज, दिस आर नथिंग बट द एरिथमेटिक मीन राइट नाउ. सो द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, द एवरेज, एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है? एरिथमेटिक मीन मीन्स द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज is calculated by adding them together and dividing by the number of terms in the set. इसका मतलब क्या है? The average of a set of numerical values, बहुत सारे numerical values है, more than one numerical values अगर है, उसका average कैसे निकालेंगे? It's calculated by adding them all together. सबको add करते हैं एक साथ, जैसे कि तुम सारे subjects का mark को add किए, सबको add किए, then dividing by the number of terms in the set. कितने टोटल तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ बुक्स है? 6. सो डिवाइड बाय 6 कर दिए, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर दिए. सो इन दिस वे एरिथमेटिक मेन इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट 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 ए एन डिवाइड बाई एन. इट मीन्स ए वन ए टू ए थ्री ए एन, ये सब क्या है? एक एक टर्म्स हैं, तो सभी टर्म को प्लस करते हैं डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स. जैसे कि फर्स्ट टर्म ए वन, सेकेंड टर्म ए टू, थर्ड टर्म ए टू, लास्ट टर्म इज ए एन. सो इसीलिए डिवाइड बाय एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन, सो डिवाइड बाय एन. हियर यू कैन से दैट ए एम, एरिथमेटिक मीन, ए एम मीन्स एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो सारे ऑब्जर्वेशंस को प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस डिस्कस ऑन एग्जाम्पल. सो हियर इट इज गिवन, बैट्समैन स्कोर्ड इन द लास्ट 6 मैचेस. लास्ट 6 मैच में एक बैट्समैन का स्कोर दिया गया है, कितना मार्क पाया है, सॉरी कितने रन स्कोर किया है, 36, 35, 50, 46, 60 एंड द लास्ट वन इज 55 राइट नाउ. ये उसका लास्ट 6 इनिंग्स का रन दिया गया है. एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज रन ऑफ द बैट्समैन, फाइंड द एवरेज रन ऑफ द बैट्समैन. सो हाउ कैन यू फाइंड इट? इस अप्लाइंग द फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज, दैट इज सबको प्लस करेंगे, 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 एंड प्लस 55 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 6. नाउ इफ वी ऐड ऑल दिस नंबर्स, देन वी विल गेट 282 divided by 6. If we cancel it by 6, then we'll get 6 1 just 6 here, 6 4 just 24, 4 left 42, 6 7 just 42, then we'll get 47. Here the average run score is equal to 47. Here the average run score, average run is equal to 47 right now. In this way you can find the mean of a set of observation right now. So let us discuss another example. So students, now you can see there, here the question is, the marks of 5 subjects of a students are given below, that is 24, 35, 48, 65 and 33. Here the question is find the average mark. So ek students ka 5 subject ka mark yahan diya gaya hai, that is 24, 35, 48, 65 and 33, and we have to find the average mark. Hame kya nikalna hai? Average mark kitna hai wohi nikalna hai right now. Then how can you find the average mark or mean mark? You know, average is same as arithmetic mean. And how can you find the average? Average mark is equal to
सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस दैट इज सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का मार्क को ऐड करते हैं, 24 + 35 + 48 + 65 + 33 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, हियर वी विल राइट 5। इफ वी ऐड ऑल दिस नंबर्स देन वी विल गेट 205 डिवाइड बाय 5। इफ वी कैंसिल दिस टू नंबर्स देन 5, 4 = 20, 5, 1 = 5। हियर द एवरेज मार्क इज 41, हियर द एवरेज मार्क इज 41, द स्टूडेंट्स एवरेज मार्क इज 41। नाउ हियर इज द आंसर 41। इन दिस वे यू कैन फाइंड द एवरेज मार्क और परसेंटेज ऑफ मार्क राइट नाउ। सो लेट अस डिस्कस अनदर थिंग। सो स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस अनदर टर्म दैट इज रेंज। सो रेंज क्या होता है एक्चुअली? द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाइएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। एंड हाउ कैन यू फाइंड दैट? वी कैन फाइंड आउट द रेंज बाय जस्ट सब्ट्रैक्टिंग द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन से अगर लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, देन वी विल गेट द रेंज, दैट इज रेंज इज इक्वल टू हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन राइट। सो लेट अस डिस्कस इट बाय एन एग्जाम्पल। हियर इट इज रिटन द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल अ गिवेन। तो एक स्कूल के जो 10 तो टीचर थे और 10 तो टीचर्स का एज दिया गया है यहाँ। फर्स्ट वन इज 32 ईयर्स, 41 ईयर्स, 28 ईयर्स, 54 ईयर्स, 35 ईयर्स, 26 ईयर्स, 23, 33, 38 एंड 40 ईयर्स राइट। सो देर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉलोड बाय द एजेस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर एंड व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट टीचर। नाउ यू कैन इजीली फाइंड बाय जस्ट लुकिंग एट द एजेस। लाइक व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर, ओल्डेस्ट व्हाट इज द ग्रेटर एज दैट इज इन दिस टोटल ऑब्जर्वेशन, हियर इट इज 54 इज ग्रेटर नंबर। सो यू कैन राइट व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर, द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर इज 54 ईयर्स। एंड व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट टीचर, सबसे छोटा एज कम एज कौन सा इन टोटल ऑब्जर्वेशन, हियर 23 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सो नाउ यू कैन राइट एंड द एज ऑफ यंगेस्ट टीचर इज 23 ईयर्स राइट। नाउ कम टू द थर्ड सेकेंड क्वेश्चन, हियर व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस, एज का रेंज क्या है? एंड यू नो रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 54 ईयर्स, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 23 ईयर्स। सो रेंज इज इक्वल टू 54 - 23, हियर 4 - 3 यू विल गेट 1, 5 - 2 यू विल गेट 3, 31 ईयर्स, हियर द रेंज इज 31 ईयर्स। एंड फाइनली द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीन एज ऑफ टीचर्स, मीन एज कितना है, मीन मतलब एवरेज एज कितना है निकालना है। एंड यू नो हाउ टू फाइंड द एवरेज, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम लोग कैसे करेंगे? मीन एज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ टीचर्स, सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ टीचर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीचर राइट। हाँ सबका एज को प्लस करते हैं, क्या क्या दिया है इसमें, यू कैन सी दिया 32 + 41 + 28 + 54 + 35 + 26 + 23 + 33 + 38 + 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीचर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, here it is 10। एंड इफ यू एड ऑल दिस नंबर्स, इफ यू एड ऑल दिस एजेस देन यू विल गेट 350 डिवाइड बाय 10, 0 and 0 will be cancelled, then you will get 35 ईयर्स।
right now. Here the mean age is 35 years, and students, in this way you can calculate mean or average or percentage right now and range. Thank you so much.